थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा फन। पहले आज हम करेंगे एक एक्टिविटी जिसमें हम बनाएंगे एक ऑब्जेक्ट परमानेंस बॉक्स विच इज़ अ मोंटेसरी टॉय। ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आता है और इसी के साथ उसने उसमें और भी कुछ गेम्स निकाल लिए एंड शी इज़ सो हैप्पी टू प्ले विद दैट बॉक्स। और ये हम घर के वेस्ट चीज़ों से ही बनाएंगे। वैसे तो ये बहुत कॉस्टली आता है बट हम इसे थोड़ा सा जुगाड़ करके घर में भी बना सकते हैं और ये बच्चे की लर्निंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। और इसी तरीके के और भी टॉयज मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो आप मेरे साथ हमारे इस वीडियो में बने रहें। इसके साथ ही साथ आज हम बनाने वाले हैं प्लेडो और ख्याति बताएगी उसमें कौन से कलर्स हैं एंड वो उनके साथ खेलेगी भी। विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गेट स्टार्टेड। ख्याति से हाय एवरीवन। हाय एवरीवन। तो पहले तो आप लोग देख सकते हैं मेरे बेबी का जो फेस और हैंड्स हैं बहुत सारे रैशेज आ गए हैं। तो इसके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम रही है मेरे बच्चे को और इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपके लिए बहुत जल्द आने वाली हूँ। ऑलरेडी मैं आज उसे शूट करने ही जा रही थी बट क्योंकि मेरी बेबी जस्ट सो के उठ गई तो मैं शूट कर नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि ये वाला डे हम प्लान करेंगे, हम आपको बताते हैं कि हमारा डे कैसा रहता है। तो आखिर ये बेबी मेरा दिन कैसे ख़त्म करवाती है पूरा दिन, तो ये मैं आज आपको। तो इसको बहुत सारी एक्टिविटीज़ चाहिए होती है हमारे एक दिन में। ये एक एक्टिविटी से इसका दिन नहीं पूरा होता है। तो सुबह से जैसे ये उठी हैं तो इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि सबसे पहले इनको टूथब्रश करना होता है, कुछ खाना होता है और उससे भी पहले इन्हें कुछ टॉयज़ के साथ खेलना होता है। तो आइए हम इनके टॉय रूम में चलते हैं। बाकी भी ऐसे कि ये हमारा लॉबी है जिसको अभी इसने हालत बहुत ख़राब कर रखी है। अभी ये मेरे पास बुक लेके आएगी और मुझे बोलेगी मुझे ये रीड करनी है, ये पढ़नी है, ये खेलना है। और ये हमारे ब्लिस ने फैला रखे हैं। अभी थोड़ी टाइम बाद आपको शायद देखने को मिले कि ये ब्लिस को कैसे छेड़ती हैं जा के। हाँ तो इनकी ये कैंडल्स बुझ गई हैं तो ये वापस आ गई हैं मेरे पास कि मैं इसे वापस जला के दे दूँ। इसको हम अभी ठीक से कपड़े नहीं पहना पा रहे हैं क्योंकि इसको बहुत सारा इन्फेक्शन हो गया है जो कि आपको मैंने अभी दिखाया है। तो ये इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है मेरी बेबी से। व्हाट इज दिस ख्याति? इट्स द पेंसिल। यू आर ट्राइंग टू हेल्प मी? Wow, she is going to do exactly what I did. Yes, thank you so much. Thank you, baby. This is the girl. ये मैंने इसको क्ले भी बनाना शुरू कर दिया है और ये लड़की कलर्स खेलना चाहती है। It's green.
green and there is red and mama is making blue and Kathy is trying to sit on this box and Bliss is sleeping. करती रहती हैं। फिर ये इनका किचन सेट है, इनका किचन एरिया है, यहाँ पे कुछ बुक्स रहती हैं, ये भी इनकी शेल्फ है और साथ ही साथ ये इनका बेड है और यहाँ पे ये दिन भर मस्ती करती हैं। ये आज मैंने इनको शेकर्स बना के दिए जो कि इन्हें बहुत पसंद आए थे, उन्होंने खेल के यहाँ पे रख दिए थे। और ये इनका एक शेप सॉर्टर टॉय है जो कि इनका वन ऑफ द फेवरेट है। एनिमल सेट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। तो ये इनका एक बहुत ही फेवरेट गेम हुआ करता था जब से ये छोटी हैं, आजकल थोड़ा कम खेल रही हैं। ये इनकी स्टडी टेबल और साथ में एक चेयर है और इनके कुछ सॉफ्ट टॉयज हैं। तो आपको लग रहा होगा ये कितना मैसी लग रहा है सब कुछ, हाँ तो ये एक टॉडलर का घर है और ये इतना ही मैसी होता है चाहे आप कितना भी सही कर लो। जब व्हेन शी वाज अ बेबी उस टाइम पे ये रूम बहुत अच्छे से रहता था, बहुत ही सुंदर सा सजा हुआ सा। और अभी जो हाल है मैं भी खुद परेशान हूँ इसको देख के। आज सुबह सुबह मेरी बेबी ने देखा कि मेरे पैसे पड़ी हुई थी तो मैंने इसको चकला बेलन दे दिया थोड़े से आटे के साथ और इन्होंने दो के साथ बहुत कुछ किया। तभी मुझे आइडिया आया कि मैं इनके लिए थोड़ा सा प्लेडो बना के देती हूँ और ये हमारे घर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेम्बर, इनको बहुत गुस्सा आता है ब्लिस, जो अभी डांट खा के बैठे हैं। और ये बाकी रूम की हालत, अभी भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे चेयर लाई गई थी, ये बास्केट थी, कुछ टॉयज थे, इनके ओल्ड स्लीपर्स हैं, ऐसे ही करके मैंने बहुत सारा सामान फैला रखा था। तो और ये इनका बहुत ही फेवरेट क्रैम और ये इनकी हाई चेयर जो कि हमने छोटी कर दी है एक लो चेयर ताकि ये खुद से एक्सेस कर सके। आई थिंक ये कुछ कर रही हैं, ओके ये बड़ा सा बॉक्स जो ऊपर खेलती रहती हैं उसको उठाया है इन्होंने। Now she's trying to open ये वाला, okay, इसमें काफ़ी सारा सामान रखी है। तो ये इनकी एक टच एंड फील बुक है जो कि इन्हें बहुत पसंद है। ये है कि एक टच एंड फील बुक और ये इन्होंने ली है अपनी गुड नाइट मून जो कि आजकल इन्हें बहुत पसंद आ रही है, मैं इनको रीड करके देती हूँ और शी इज लविंग इट। This is the toy which she is like. ये बहुत ही अच्छा टॉय रहता है आप बेबीज को जब आप टमी टाइम में भी दे सकते हैं और जब वो नए नए बैठना शुरू कर देते हैं और बाद में भी टॉडलर्स को भी आप ही दे सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारी टॉडलर हैं उनको ये बुक काफ़ी पसंद आ रही है आजकल। इस बुक पे भी मैं बहुत जल्द एक रिव्यू लेकर आने वाली हूँ। और ये भी इनकी एक बुक है जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर किया हुआ है। और ये इनका वो पजल सेट, ये है कैथी का म्यूजिकल पेन, की बुक है। ये एक साउंड बुक है जो कि इनकी बहुत ही फेवरेट है क्योंकि इसमें साउंड और लाइट्स जलती हैं और ये टच एंड फील। शी वांट्स टू रीड दिस बुक, एक्चुअली शी डजंट वांट टू रीड, मोर ओवर शी वांट्स टू प्ले दिस बटन एंड फू ख्याति फू। हाँ तो व्हेन यू ब्लो दिस कैंडल तो ये अपने आप बुझ जाती है, ऐसे इसको बटन को प्रेस करिए तो ये जल जाती हैं और उसके बाद इसमें म्यूजिक आती है और फिर आप बेबी को बोलें इसको फू करने के लिए या ब्लो ऑफ करने के लिए।
क्या दे फू हाँ, तो ऐसे ही चलता रहता है ये कंटिन्यूसली। ये ख्याति मेरी बेटी जो है वो एक घंटे भी खेल सकती है। So, ये हमने बेबी को शेकर्स दिए घर की ही चीज़ों से बना के। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की बॉटल्स हैं, कंटेनर्स हैं। उसमें मैंने एक में चावल, दाल और साबुदाना, ये सब चीज़ें डाल के दे दी हैं बेबी को। और इसे डिफरेंट डिफरेंट नवाज। हाँ, तो ये सारा काम चल रहा था, इसको मैं कंप्लीट करके एक डिफरेंट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस बॉक्स कैसा बना है। एंड आई डाउट कि आज बन भी पाता है कि नहीं, क्योंकि अभी तो मेरी बेबी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और बाकी चीज़ों में लगी है। प्लस उसको सामने मुझे कैची यूज़ करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है बिकॉज वो मान ही थी। और ये देखिए, ये सारे टॉयज में यहाँ वहाँ से फेंक रखे हैं। सो मेरे को ये रखने पड़ेंगे। हाँ, ये अभी तो मुझे इसको रीसेट करना पड़ेगा पूरी। ये शेल्फ को ऐसी तैसी कर रखी है इसने। नाउ शी गॉट अ बैंगल, चूड़ी कहीं मिल गई है उन्हें और वो उसके साथ खेल रही है। और ये एक और शेप सॉर्टर टॉय है जो कि इसे बहुत पसंद है, बट ये अभी ठीक से कर नहीं पाती है और इसको मेरी हेल्प लगती है और नहीं कर पाती है।